एक और इंदौर शहर में कोरोना पैर पसार कर फैला हुआ है, जहां मरीजों की संख्या 4000 के पार हो गई है। वहीं हमारे बिंदास बेफिक्र कलेक्टर साहब सरकार को खुश रखने के लिए अब लॉकडाउन पूरी तरह से हटा देने पर तुले हुए हैं। मतलब कोरोना क्या है, भुला देना चाहिए। लगता है इंदौरी नेताओं और एबले लोगों के आगे पुलिस ने भी घुटने टेकने का मन बना लिया है। नहीं लगेगा लॉकडाउन, रहो भगवान भरोसे। इंदौर के कलेक्टर, पुलिस ने इंदौरियों के आगे टेके घुटने। सवाल, कोरोना क्या है, हमें भुला देना चाहिए। आपको बता दें कि इसका सबसे ताजा उदाहरण इंदौर शहर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के पूर्व विधायक सत्ताधारी दल के नेता सुदर्शन गुप्ता की कोरोना से भयभीत लोगों को मुंह चढ़ाती करतूत है। उन्होंने और सरेआम सैकड़ों लोगों ने राशन वितरण कार्यक्रम के दौरान जुटकर यह दिखा दिया कि हम नहीं सुधरेंगे। मतलब ये कि वैसे ही सब कुछ चलना चाहिए, जो हो सो हो। आखिर कैसे नेताजी की भीड़ को कोई प्रशासन, कोई पुलिस हांक सकती है। जिन लोगों को 2 महीने बाद भी समझ नहीं आया कि बीमारी कितनी खतरनाक है, वो अब क्या समझेंगे। शहर की स्थिति कितनी खराब है, वो अब क्या समझेंगे। कोई अपने नेता की बर्थडे पार्टी कर रहा है तो कोई शराब ले रहे हैं, इसके चलते नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दे कि ये कटु सत्य है कि जैसे जैसे फ्री चीज़ें बांटने शुरू हुई, वैसे वैसे लोग इन पर ज़्यादा आश्रित होने लग गए हैं। कुछ लोग गरीबों के नाम से खा पी के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब शहर के जिम्मेदार नेता और अधिकारी ही अफरा तफरी का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, केवल अपनी प्रसिद्धि और राज्य सत्ता के लिए। भैया, कुछ करना ही है तो अभी भी समय है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। तभी तो लोग आपको पहचानेंगे, नेताजी, कलेक्टर जी।